एनजीटी द्वारा प्रदूषण को लेकर किए गए आदेशों को उत्तर प्रदेश में किस तरह कचरे के जहरीले धुएं में उड़ाया जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण जनपद मुरादाबाद में प्रत्यक्ष देखने को मिला है, जहां इस कचरे को मुरादाबाद के दो थाना क्षेत्रों की सीमा से सटी सैकड़ों बीघा जमीन में जलाने के बाद उठते धुएं ने एक महिला की सांसें थाम दी और महिला का जहरीले धुएं में दम निकल गया। मृतक महिला के परिजनों ने भी सांस लेने में परेशानी होने के बाद मौत की बात कही है। इलाके के लोगों का आरोप है कि पिछले 3 दिन से इस इलाके में ई कचरे को जलाया जा रहा है, जिससे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। पुलिस को सूचना दी जा रही है, पुलिस आती है, फायर ब्रिगेड भी बुलाया जाता है। दमकल की 5 गाड़ियां भी कचरे में लगी आग को बुझाने में पिछले 2 दिन से लगी हुई हैं। जलाए जा रहे कचरे में जिसमें धातु भी मिली हुई है, इस कचरे में लगी भीषण आग उससे उठते हुए जहरीले धुएं को शांत करने पहुंची दमकल और पुलिस की टीम भी अपने मुंह पर मास्क लगाकर काम करती दिखाई दी, लेकिन कचरे में लगी आग इतनी भयंकर है कि बुझ ही नहीं पा रही। फायर ब्रिगेड कर्मी के अनुसार 5 दमकल की गाड़ियां लगी हुई हैं। मंगलवार बुधवार यानी कि 27 और 28 नवंबर की रात्रि को भी पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की एक एक करके 5 गाड़ियों में भरा हजारों लीटर पानी इस कचरे की आग से उठते जहरीले धुएं को शांत करने के लिए बौछार किया गया, लेकिन सब व्यर्थ गया। कचरे में आग अभी भी लगी हुई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मुरादाबाद का कई किलोमीटर तक एरिया इस जहरीले धुएं से प्रभावित हो रहा है। इस जहरीली आग के धुएं को शांत करने के लिए पहुंचे दमकल कर्मचारी ने भी बताया कि वो 2 दिन से इस आग पर पानी डालने आ रहे हैं। पता नहीं कौन बार बार इस कचरे को यहाँ डाल जाता है। ये इलाका मुरादाबाद के 2 थानों का बॉर्डर भी है। नानी की हमारी क्या वजह रही है? धुआं की वजह से ज्यादा। धुआं किस चीज का है? कार का है जो बाहर से आ रही है। अच्छा, कहाँ जलता है? वहाँ दिल्ली आए कलोर पे पल्ली तक पटनों पे। अच्छा, कितने दिन से जल रहा है? कल से जल लिया है। तो आपने शिकायत नहीं करी धुएं की? करी ही, कल भी आए पुलिस वाले। अच्छा, पुलिस वाले आए थे? हाँ। अच्छा, आग बुझाने कोई नहीं आया? कल भी बुझाने पुलिस वालों ने बुलाया था। अच्छा, तो इन्हें क्या परेशानी, इन्हें कोई परेशानी थी इससे पहले? धुएं से ज्यादा सांस ना आ रही है फिर। हाँ, इसमें आ रहे। क्या हुआ फिर? फिर सुबह शाम रोटी पक रही हमारे घर। हाँ हाँ, तो आकर देखा। हाँ, तो खत्म हो गई 6:30 बजे। तो कुछ कहना चाहोगे? बस धुआं ही धुआं खत्म हो जाए और क्या है। हमें तक्का सांस ना आ रही है, दवाई वही सब लेकर आए। आपको भी परेशानी हो रही है? और भैया को हमारी उल्टी हो गई। पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे जो ई डस्ट जो है ये जल रही है कचरा यहाँ पर, जिससे पूरे इलाके में धुआं हो रहा है, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। कल भी हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म करा था, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी बुझा के चली गई। उसके बाद आज फिर हम लोगों ने पुलिस को भी इन्फॉर्म करा, अभी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी से बुझा के गई है, लेकिन ये आग इतने बड़े स्तर पर फैल चुकी है कि अभी बुझ नहीं पाई है पूरी तरह से। कब से जल रही है ये? कौन जला रहा है? किसकी जगह है? क्या है पूरा? करीब ये 3 से 4 दिन से यहाँ पर जल रही है, और बिशनपुर भीमा ठेर के रहने वाले जाविर पुत्र साबिर हैं, उनकी ये जगह है। और ये सुनने में आया कि 1,000 रुपये गाड़ी लेते हैं वो, और तब यहाँ डलवाते हैं और रात को आग लगा के चले जाते हैं शाम को किसी टाइम। किन गाड़ियों में आता है ये? बड़ी गाड़ी में आता है, जैसे डंपर होते हैं ना, उनके अंदर आता है। अच्छा, तो है क्या ये? ई डस्ट है जो मेडिकल की डस्ट है, हॉस्पिटल्स वगैरह से वो है, इसके अंदर से जो जहरीली गैस निकलती है सब। क्या परेशानी होती है इससे? सांस लेने में परेशानी हो रही है। जो लोग दमा या अस्थमा के बीमार हैं उन लोगों को भी सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। आज सुनने में आया कि यहीं भोला सिंह की मिलक के पास एक महिला है, उनकी भी मौत हो गई है इसी वजह से। तो इसका धुआं कितने इलाके में फैलता है? ये पूरा सोनकपुर आवासीय योजना जो शहरी गरीब आवासीय योजना है, इसके पास में सराफत नगर है, भोला सिंह की मिलक है, इस पूरे इलाके को, भीमा ठेर है, काशीराम नगर है, इस पूरे इलाके को इसने कवर कर रखा। कितने किलोमीटर का एरिया होगा ये? है 3-4 किलोमीटर का एरिया। आप बता रहे हैं डेथ भी हो गई किसी की? हाँ, एक लेडी की डेथ हो गई है, महिला की, पता चला है हमेशा इसी वजह से। जी जी, सांस लेने में उन्हें तकलीफ हुई, उसी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो अब इस समय कोई आया था यहाँ पे, क्या करके गए हैं, कौन कौन आया था, क्या था? अभी यहाँ फायर ब्रिगेड वाले आए थे, उन्होंने ये आग बुझाई है, और बाकी अगवानपुर चौकी की पुलिस थी और काशीराम की पुलिस आई। तो आग बुझ गई? अभी पूरी तरह से नहीं बुझी है। मझोला अगवानपुर क्षेत्र में पड़ता है जी, कूड़े में आग लगी है, बता दिया गया था। मझोला भी है थोड़ा इधर को। किस समय सूचना मिली थी आपको? सूचना
ऐसी मिली थी। पेपर लेकर तुरंत बैठ लें गाड़ी में, एक मिनट एकदम हम पता टाइम को कल भी आई परसों भी आ रही, तीन दिन हो गए, चार दिन हो गए जी, चार दिन हो गए इसी में आते। बता दीजिए, बता दो, एक दो रोज आ रही बेंच, पता नहीं कहाँ से ला कर मटीरियल फोक रहे हैं। 23:10 है, 23:10 11:10 पर अभी रात को। हाँ जी जी, कितने लोगों की टीम आपकी लगी हुई है? हम लोग हैं पांच लोग हैं। और दमकल की कितनी गाड़ियाँ? एक गाड़ी आई है, एक कल दिन में चली, दो पहले गिर गए चली गई यहाँ से, तीन गाड़ियाँ। तो आग पर काबू पाया गया? हाँ, पूर्ण रूप से आग पर काबू पाया गया। ये मतलब किस चीज में लगी हुई थी, ये पता लगा कुछ? कूड़े में लग रही है। कूड़े में कहाँ पर? खेत में है? कहाँ है? खेत में ही है ये कूड़ा। इलाका कौन सा कहलाता है ये? बिशनपुर का इलाका कहा जाता है। थाना मझोला और अगवानपुर के दोनों का क्षेत्र है। थाना मझोला और सिविलाई? नहीं, मझोला थाना। हाँ हाँ। और उधर अगवानपुर चौक।